वर्ष 1992 के चर्चित अजमेर ब्लैकमेल स्कैंडल पर अब वेब सीरीज बनने जा रही है। इस ब्लैकमेल कांड के चलते राजस्थान सीएम की कुर्सी तक संकट में आ गई थी। कॉलेज की लड़कियों के एमएमएस वायरल का जब खुलासा हुआ तो पूरा देश हिल गया था। इस कांड से जुड़े लोग नामी परिवारों से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण यह बहुत हाई प्रोफाइल मामला बन गया था। अब इतने वर्षों बाद इस पर वेब सीरीज बनने की खबर ने फिर से घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया है। इस वेब सीरीज को अभिषेक दुधिया डायरेक्ट कर रहे हैं। इसे इसी साल सितंबर से अक्टूबर में रिलीज किए जाने की संभावना है। अभिषेक इसे टिप्स कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। बता दें कि अभिषेक दुधिया इससे पहले भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक वेब सीरीज का निर्देशन कर चुके हैं। इस वेब सीरीज में अभिषेक अजय देवगन और संजय दत्त जैसे मेगा स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि साल 1992 में अजमेर में करीब 300 लड़कियों की न्यूड फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बवाल आ गया था। आरोपी युवक अजमेर के नामी परिवारों से संबंध रखते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन सब की शुरुआत कॉलेज की एक लड़की के साथ हुई थी, जिसके बाद करीब 300 लड़कियों को ब्लैकमेल कर देह शोषण का शिकार बनाया गया। शुरुआत में कॉलेज की एक लड़की के रेप की फोटो लेकर उस पर उसकी दोस्त को उसी गिरोह के चंगुल में फंसाने का दबाव बनाया, जिसके बाद उसकी दोस्त के साथ भी यही हुआ। यह चक्र चलता रहा और करीब 300 लड़कियों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया। राजस्थान के एक बड़े अखबार ने ब्लर न्यूड पिक्चर्स के साथ इस स्कैंडल का खुलासा किया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया था। अब देखना होगा कि इस घटना पर बनी वेब सीरीज दर्शकों को कितना झकझोर पाती है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।